क्या ग्रेगोर के पास उसकी अपनी चाबियां नहीं है? वो तुम्हारी चाबियां क्यों चुराएगा? उस कमरे के चार ताले हैं और वाजह है कि कौन सी चाबी कौन सा ताला खोलती है। शायद वो ये चाहते हैं कि सारा का सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। मुझे कारतोफ मिल गया, असले की नुमाइश के लिए पाया तख्त रवाना हो गया है। उसने कहा है कि वो नुमाइश के बाद पाया तख्त में मिल सकता है। ये उन लोगों की फहरिस्त है जो असलहे की नुमाइश में शामिल होंगे। अगर इमरो असलहा खरीदते हैं तो वो असलहा इस फहरिस्त में शामिल किसी फर्द से हासिल करेंगे। मैं इतराफ नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने नहीं किया। ग्रेगोर अपनी जान तो दे सकता है लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता कभी। या तो अहमद पाशा साइबेरिया जाएंगे या फिर हजारों किरिम तुर्क, फैसला आपका है। आप निशानदेही कीजिए कि ये किसने और क्यों किया है। तहकीकात का आगाज कीजिए और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसका नाम जॉन कारतोफ है। यही वो शख्स है जिसने इमरो को हथियार फरोख किए थे। अगर आप सुल्तान मौसम को बताएंगे तो वो हुक्म देंगे, वो हुक्म देंगे कि मत जाओ। खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता मैं। जॉन कारतोफ, अब जा सकते हैं। बहुत हो गया ये सब, मैं सिर्फ इज्जतदार होता हूँ। हमारे साथ चलो। जनाब कारतोफ हम सबके साथ हो रहा है, मेहरबानी करके सवार हो जाए। ये मेरा आखिरी मुआहिदा है तुम्हारे साथ, अब हम कोई काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा इलाका है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अब चलो। हमें आप पर भरोसा है। हम मुंतजिम साहब से बात करते हैं कि वो बुर्सा के लिए किसी और का इंतखाब कर लें। वहाँ भी हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।